संस्कार, बताओ ना आप कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी तेज हवा। संस्कार बताओ ना, तुम बस मेरे साथ चलती रहो, भरोसा है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो बस चलो। प्रिंसेस, अपना एक पैर ऊपर रखिए और आप आराम से बैठ जाइए।
मैं हर रोज तुम्हारे साथ सुबह देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे झगड़ना चाहता हूँ, तुम्हें मनाना चाहता हूँ, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट गाना सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का सपना पूरा करना चाहता हूँ। So princess, I know कि तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं करने वाला। Even you have to make me feel like a prince. तो तुम्हें भी मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा। मैं हर छोटी खुशी एक चॉकलेट के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे में ये सारे नोट चिपकाओ। तुम्हारी आवाज में बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए। और हाँ, मैं अपने रोज के वाइटामिन सिर्फ तुम्हारे हाथों से लूंगा। मंजूर है? स्वरा, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मरते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। तुम दुआ से मेरी किस्मत को मिला। मैं चाहता हूं कि ये दुआ मेरी किस्मत बदल दे। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तेरा माँ बाबा ने तो तुम्हारा हाथ मुझे दे दिया, पर अब क्या तुम मुझे अपना हाथ थामने की इजाजत दोगी?
संस्कार, एक ही दिन में कितने सरप्राइजेस दोगे? ये आज के दिन का आखिरी सरप्राइज है। संस्कार, ये याद है ये टेंट? देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे प्यार की शुरुआत इसी टेंट से हुई थी स्वरा। प्रिंसेस, प्रपोज तो मैंने तुम्हें वहां किया था, लेकिन अंगूठी मैं तुम्हें यहां पहनाऊंगा। क्या बात है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। भाभी, स्वरा भाभी कितनी लकी है ना, काश मेरा पति भी मुझे इतना ही पैम्पर और प्यार करे। क्यों नहीं करेंगे उत्तरा जी, जरूर करेंगे। और अगर नहीं किया तो हम सब है ना। माँ जी, इन लोगों ने इतना तामझाम क्यों फैला के रखा है? कौन सा पहली बार शादी कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार शादी हो रही है, फिर भी इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? दरअसल बात यह है कि सबके आशीर्वाद के साथ पहली बार एक बंधन में बनने जा रहे हैं। तो तामझाम तो होगा ना उर्वशी जी? बड़े आए प्यार दिखाने वाले। देखिए ना माँ जी, आज सुबह तक हमारी रागनी कितनी खुश थी, क्योंकि इसकी जिंदगी पर बंगालियों का बुरा साया नहीं था। पर अब ये पूरी नजर फिर से लौट आई कि बंगाली भी कितने अजीब से, कितने ढीठ होते हैं ना माँ जी, जितना मर्जी बाहर निकालो फिर भी लौट ही आते हैं। पहले तो उस शर्मिष्ठा ने हमारी जीजी की जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब ये सौरा हमारी रागनी के पीछे पड़ी। हम कह रहे हैं आपसे माँ जी, जीजी खुश नहीं है। अपनी खुशी बांटने की या हमें ताने मारने की कोशिश भी मत करना। हमें तुम्हारे इस नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, मैं तो बस ये सोचकर खुश थी कि मुझे मेरी पुरानी राखी ने वापस। सोरा, हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। तुम्हारा पति जिसे तुम किसी और से छीन कर आई हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले
इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए।
हमने कहा था ना माजी, कुछ ठीक नहीं है। अभी तो शुरुआत है और इतना बड़ा अपशगुन हो गया, भगवान जाने आगे क्या क्या होगा। राखी देखिए, आप तो परेशान मत होइए, बातें करने से अच्छा पहले देखते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है और इसे कैसे रोका जाए। रामू सीढ़ी लेकर आ। संस्कार ये ड्रेस तुमने मुझे गिफ्ट किया। आखिर वो तुम कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बात है। मासी, मासी आप ये क्या कर रही हैं? चुप करो, तुम्हें बुरी नजर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।